हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। फेस्टिव सीजन चल रहा है और कुछ ही दिनों में दिवाली है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ एक होम फेशियल रूटीन शेयर करना जरूरी है। और अभी पार्लर जाने के रिस्क मत लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए पार्लर जाने के रिस्क उठाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी स्किन पर वही पार्लर वाला ग्लो पा सकते हैं, वही पार्लर वाला क्लियर स्किन आप पा सकते हैं, अगर आप इस फेशियल किट को और इस फेशियल टेक्निक को घर पर फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने डिटेल में सारे स्टेप्स को समझाया है और सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन भी किया है। एक टेक्निक होता है फेशियल का, वो टेक्निक, वो मसाजिंग टेक्निक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो फेशियल का जो रिजल्ट है वो आपको अच्छा दिखेगा। और आपकी स्किन अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई ऑलवेज बिलीव इन स्किन केयर फर्स्ट। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी फेशियल किट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, जो भी फेशियल किट्स मेरे पास है, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर देम। सो कीप ऑन वॉचिंग। ये है न्यूट्रीग्लो डायमंड फेशियल किट और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है, हैंडी है, ट्यूब फॉर्म में आता है और सिर्फ 4 स्टेप्स है। और ये एक डायमंड फेशियल है। डायमंड फेशियल घर पर कर रहे हैं देन इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल टू। तो ये टीनेजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट पार्ट है कि इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स जैसे पैराबेंस, सिलिकॉन्स, सल्फेट्स। सो स्टेप नंबर 1 इज दिस क्लेंजर। तो सबसे पहले आप अपने फेस पर किसी भी टोनर को आप स्प्रे कीजिए, क्योंकि आपका फेस जब वेट है उसी टाइम आपको फेशियल स्टार्ट करना है, उसी टाइम आपको सारे स्टेप्स करना है, जैसे कि क्लेंजिंग एंड स्क्रबिंग। तो इस क्लेंजर से आप अपने फेस को अच्छे से मसाज दीजिए, इससे ही फेस पर जो भी डर्ट, मेकअप, पॉल्यूशन है सब कुछ निकल आएगा। सेकेंड स्टेप इज दिस फेशियल स्क्रब। और ये स्क्रब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड लगा, मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं कोई स्क्रबिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें लग रहा था कि जेल फॉर्म में कुछ है और जेल के अंदर ही छोटे छोटे स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं। तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड लगा मुझे, जो कि आई थिंक इट्स वेरी गुड, क्योंकि अगर फेस पर आपके एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, बहुत सेंसिटिव स्किन है, कट्स ज़्यादातर होते हैं स्क्रबिंग से, देन दिस विल बी वेरी मच इफेक्टिव फॉर यू। सो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन अगर आपके फेस पर गंदे वाले ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होता है तो ये स्क्रब उसको निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। तो मेरे फेस पर स्क्रबिंग करते करते थोड़ा सा ड्राई हो गया था, इसीलिए मैंने फेस पर टोनर स्प्रे किया। और ये है एल्प्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। मैंने अपने स्किन केयर सेप्टेम्बर स्किन केयर एमटीज में भी इस टोनर को शेयर किया था। ये काफ़ी अच्छा टोनर है। सो आप अपने फेस को स्क्रबिंग स्टेप के बाद वॉश कर लीजिए एंड देन ड्राई कर लीजिए। द थर्ड स्टेप इज दिस मसाजिंग क्रीम। अब मसाजिंग क्रीम बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि वो आपकी स्किन पर एक अलग सा ग्लो प्रोवाइड करता है, अगर आप ठीक टेक्निक फॉलो करके मसाज करेंगे तो। और ये ट्यूब फॉर्म में आता है सारे ही स्टेप्स, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यूज़र फ्रेंडली एंड हैसल फ्री लगा। मैं कहीं पर ट्रैवल कर रही हूँ फिर भी मैं इसे ले जा सकती हूँ, एंड अपनी जो मेन इवेंट है उससे पहले मैं इस फेशियल को कर सकती हूँ। तो आपको अपने फिंगर टिप्स से मसाज देना है स्लोली स्लोली, और ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। आप अपने नेक पर कर सकते हैं, आप अपने हैंड्स पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा है, सो सिर्फ एक बार में ही ये ख़त्म हो जाएगा अगर आप हैंड्स पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो। मैंने अपने हैंड्स पर इस्तेमाल नहीं किया इसीलिए थोड़ा सा बचा भी था। एंड आफ्टर यूजिंग दिस क्रीम फेस बहुत ही ज़्यादा प्लम्प एंड सॉफ्ट फील हो रहा था। नेक्स्ट इज़ द लास्ट स्टेप, विच इज़ स्टेप 4। ये है फेस मास्क, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। नाउ इसका जो फेस मास्क है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग लगा, मतलब फेस को तो बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं किया, लेकिन एकदम नॉर्मली ही जो इसका कंसिस्टेंसी है वो मुझे क्रीम फॉर्म में और थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में दिखा, जिससे कि ये एकदम इंस्टेंटली जब मैं एक साइड पर लगा रही थी तो दूसरे साइड पर लगाते लगाते ही ये साइड सूख गया था। सो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड ड्राई फॉर्म में है तो ये इजीली सूख भी जाएगा, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि फेस पर ब्राइटनेस तो दिखता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने एक्सफोलिएशन किया है।
लेकिन उससे जो बेस्ट पार्ट है कि फेस बहुत ही ज़्यादा स्मूद एंड सॉफ्ट लग रहा था. यू कैन ऑलरेडी सी द ग्लो एंड सॉफ्टनेस इन माई फेस. इस फेशियल को आप 2 डेज दिवाली के पहले या फिर किसी भी फंक्शन से 2 डेज पहले आप इसको फॉलो करें, क्योंकि फेशियल करने के बाद उतना ज्यादा इफेक्ट या उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखता है जो कि नेक्स्ट डे दिखता है, ये आप सभी को पता है. तो इसी वजह से मेक श्योर करें कि जिस दिन आप फेशियल कर रहे हैं उससे अगले वाला दिन आप ज्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करें, जैसे कि फेस वॉश. अगर बहुत ज्यादा जरूरी है देन फेस वॉश रात को सोने से पहले ही इस्तेमाल करें. जिस दिन आप फेशियल कर रहे हैं उससे अगले वाले मतलब नेक्स्ट दिन आप सुबह कोई फेस वॉश इस्तेमाल ना करें, दैट विल बी बेटर. और ज्यादा केमिकल्स मत इस्तेमाल करें अपने फेस पर. फिक्स पैक अगर डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं देन फेशियल करने के बाद आप 2 डेज तक उतना ज्यादा फेस पैक बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें. और मैंने कभी पर्सनली पार्लर में जाकर फेशियल नहीं कराया है, बट मैं डेफिनेटली घर पे एक फेशियल रूटीन फॉलो करती हूँ और मैं मंथली एक बार तो फेशियल लेना पसंद करती हूँ. आई ट्राई टू टेक अ फेशियल एवरी मंथ, वो भी घर पर, कभी घरेलू नुस्खे से, कभी इस तरीके का हैंडी फेशियल रेडीमेड फेशियल किट से, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है मुझे जो लगता है. बाय द वे ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने आज किया है एंड मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा स्मूथ लग रही है, मुझे फील हो रहा है बहुत ज्यादा स्मूथ. इस फेशियल किट को 20 ईयर्स से 60 ईयर्स की एज तक कोई भी इस्तेमाल कर सकता है. 18 ईयर्स के बिलो को मैं थोड़ा सा रेकमेंड नहीं करना चाहती अभी, लेकिन आप होममेड DIY फेशियल किट्स डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. मैं होममेड फेशियल्स भी करती हूँ, अगर देखना है तो नीचे कमेंट करके बताइए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय दिवाली एंड बाय.